आज अपन लोग थोड़ी सी क्लासिक वीडियो रखने वाले हैं एंड आज की पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं अबाउट uh, आपकी जब एक टीम बनती है देखिए अगर हम लोग बात करें अभी बीएमओसी स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहता है सो so टॉक कि आपकी जो टीम रहती है उसमें क्या क्या चीजें ऐसी रहेंगी जिनका कि आपको ध्यान रखना है फॉर दी अपकमिंग कंपटीशन एंड वेल इट्स नॉट एग्जैक्टली जस्ट बीएमओसी बट हर एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर जो कि एक एस्पेक्ट रखता है कॉम्पिटेटिव प्लेयर बनने का उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें गाइस अगर आप लोग नए चैनल पर लाइक करना शेयर करना दोस्तों सब्सक्राइब करना चैनल को मेरा गोल है वन मिलियन का ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से पहले होप कि आप लोग करवा दोगे बट शेयर जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या आप बी एम के लिए रजिस्टर कर रहे हो अगर कर रहे हो तो किस नाम से किस टीम से एंड वेल well, अपने टीममेट्स के साथ शेयर जरूर करना सबसे पहली चीज जब भी आप एक टीम बनाते हैं आपको पता है कि ये बैटल रॉयल सर्वाइवल गेम बन जाता है राइट तो उसके अंदर कॉल आउट इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक चीज का कॉल आउट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपका आईजीएल या फिर अगर आप आईजीएल तो आप चाहोगे कि आपके टीमेट आपको दें कहां पर बंदा है कहां से रोटेट करना है कितनी देर में कितनी जल्दी में कितना एचपी लो आपने किया है कितने एचपी लो आप हो सकते हो अगर आप कुछ बताना चाहो आपके पास कितना एमओ है हर एक चीज का कॉल आउट छोटे से छोटा इंपॉर्टेंट रहता है एंड अगर वो कॉल आउट्स आप दे पा रहे हो डेफिनेटली यू नो आप अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग टीम सिनर्जी मैटर्स एंड वेल वेल्सोड द प्लेयर अंडरस्टैंडिंग टीम सिनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं इट्स इट्स नॉट जस्ट यू नो कि गेम के अंदर की सिनर्जी होनी चाहिए इट्स लाइक कि उन प्लेयर्स को उन लोगों को आपको गेम के अंदर गेम के बाहर हर जगह ट्रस्ट करना आना चाहिए ताकि उनको ये पता रहे कि यू नो आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो उनके माइंड में छप जाए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा सबसे पहले वाली सोल जो कि आपको ये पता है जो पी के टाइम पर थी इफ यू टॉक अबाउट इट राइट तो वहां पर उनके एक इंटरव्यू में उन लोगों ने बोला था कि हमारा इतना ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे पर कि हम लोग बिना कॉल समझ सकते हैं कि सामने वाले प्लेयर का उस टाइम के लिए नीड क्या है एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग राइट टू अंडरस्टैंड योर प्लेयर्स टू अंडरस्टैंड योर टीम इन दैट सेंस जब ये आ जाता है आपके पास तो फिर और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है अगली चीज रोटेशंस आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए अब रोटेशंस की अगर बात करी जाए इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेंसे रहते हैं जिस तरीके से वो रोटेशंस करवाते हैं खुद की और अपने टीम मेट्स की एंड uh, इसमें आपके स्प्लिट्स हो सकते हैं इसमें आप टू टू पर जा सकते हो थ्री वन पर जा सकते हो वन 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 पर जा सकते हो जो आजकल हर कोई यू नो करने के uh, uh, के लिए यू नो दे ट्राइंग एंड ट्राइंग टू डू इट इन अ वेरी वेरी गुड वे सो यस ये सारे स्प्लिट्स एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं अगर आप कर पाओ तो सो so, आपकी रोटेशन और आपकी रोटेशन की अंडरस्टैंडिंग्स पूरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए एंड नाउ वी मूव ऑन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक रहेगा बैकसीट गेमिंग नहीं करनी है बैकसीट गेमिंग एक पीसी टर्म है बेसिकली ये होता है कि जब आप मर चुके हो या फिर आप खत्म हो चुके हैं आप ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव के अंदर तो रिकॉल वगैरह नहीं हो सकते हो सो so, आप पीछे से अपने टीममेट्स के लिए वर्ड इज यू नो वॉइस नहीं बनते रहोगे ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर बैकसीट गेमिंग ज्यादा काम में नहीं आती क्योंकि एट दैट टाइम यू वुड वांट योर टीममेट टू जस्ट यू नो डू व्हाट ही वांट्स टू अंटे अनलैस आप uh, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे क्या करूं क्या ना करूं वो पैनिक कर चुका है तब आप जरूर बोल सकते हो लेकिन उसमें भी हौच पौच नहीं होना चाहिए एज इन चार पांच लोग ना बोलते रहे ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर ऐसे कर वैसे चार पांच लोग ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए सो so, बैडसीड गेमिंग जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है नो बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन होती हैं जिसमें बैक सीट गेमिंग हो जाती है आप खुद बोल सकते हो कि नो आप मर चुके लेकिन आप अपने टीममेट्स को बताते रहना चाहोगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करता रह करता रह करता रह ये कर वो कर ऐसे मत कर वैसे ये जो चीज़ें रहती हैं ये अवॉइड आपको करनी पड़ेंगे जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकें और जितना जल्दी आप इस चीज का को अवॉइड कर सकें उतना ही ज्यादा यू you नो know, ठीक रहेगा मैं तो ये बोलूंगा सो लेट योर आई जी एल बी योर आई जी एल और लेट द प्लेयर दैट सर्वाइविंग डू द वर्क अदर देन दैट आप uh, मैं ये बोलूंगा कि यू you नो know, पूरा का पूरा ओपनिंग दीजिए अपने टीममेट्स को जिसके अराउंड वो खेल सकें क्योंकि ऐट दी एंड यार टीम, में, टीम गेम है आपको नहीं पता कभी कभी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग ये जो सिचुएशन में जो डिसीजन आप ले रहे हो सही हो सकता है बट आपका टीम मेट उसी समय कोई और पर्स्पेक्टिव देख रहा हो सकता है राइट सो एट दी एंड वही चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है एंड नाउ दिस इज वन थिंग लोग पूछते हैं बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं करते तो आई गेस होंगे भी कुछ लोग एक्चुअली एंड दैट इज ओवर ट्रेनिंग Uh, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू you नो know, अगर हम चार घंटे प्रैक्टिस करें पाँच घंटे आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे प्रैक्टिस करें देखो वो ओवर ट्रेन होता है वो आपकी आइज को स्ट्रेस देगा आपके सिर को दर्द देगा एक्सेक्ट्रा एक्सेटर एक्सेक्टर एक्सेक्टर आपका फ़ोन का बैटरी लाइफ ऑब्वियसली ट्रेन कर ही रहा होगा सो so, वो जो चीज़ें आप कह रहे होते हैं वो ओवर ट्रेनिंग होती है ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए उससे मेंटल फटीक आता है उससे गेम में फटीक आता है ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऑब्वियसली नो काफ़ी ज़्यादा खराब रहती हैं सो यू शुड नॉट ओवर ट्रेन इन एनी मैं तो ये बोलूंगा इन एनी वे शेप और फॉर्म बिकॉज वो जो आपको मेंटल फिटीक देगा वो फिर अगर आपका दिन कभी कभी होता होगा आपको भी याद आपको भी पता होगा जब आप रात रात तक खेलते होगे एक टाइम ऐसा आता है जब आप उतर के मरने नहीं लग जाते जब आप कोई यू नो गेम नहीं जीत पाते जब कुछ भी सो so आप सीधा बोल देते हो कि यू you नो know, नहीं यार अब माइंड नहीं काम कर रहा हैं वो चीज होती है आपकी मेंटल फिटीक जो कि गेम के साथ आती आती है यू यूनिट टू अंडरस्टैंड क्यू नो उस चीज की एक लिमिट कब बनती है बिकॉज वंस दैट लिमिट देन आई डोंट बिलीव यू नो उसके आगे आपको भी खेलना चाहिए उसके आगे आपको भी टाइम देना चाहिए सो so, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट के दो पॉइंट्स नो बैकसीट गेमिंग उतना नहीं आपको करना है एंड देन ओवर ट्रेन जो जो मेंटल फटीग निकाल करके लेकर के आता है वो आपको नहीं करना है अगर वापस से हम लोग सब पॉइंट्स की बात करें तो कॉल आउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टीम सिनर्जी मैटर करती है एंड हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करता है रोटेशंस जो रहते हैं आपके वो सारे ऑन पॉइंट होने चाहिए जब हम ये इसमें ऑब्वियसली यू नो आई का रोल बहुत ज्यादा रहता है एंड उसके साथ साथ कौन कौन देख पा रहा है बैक गेमिंग जितना अवॉइड हो सके उतना ज़्यादा अच्छा एंड डोंट ओवर ट्रेन अदरवाइज जो मेंटल फिटीक है वो आपको खा जाएगा वो आपको काट जाएगा एंड ऐसे टूर्नामेंट जो कि अभी शुरू होने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स उसके अंदर ना ही हो तो ही यू you नो know, बहुत ज़्यादा अच्छा सो वेल वेलगाइज ये थे सारे के सारे पॉइंट्स आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है अगर पसंद है तो यार लाइक uh, like जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे सोशल्स वन सेकेंड आप लोगों को मिल जाएंगे एंड uh, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडो स्टे ऑसम एंड पीस आउट गाइज हैवर एले अमेजिंग डे डू लेट मी नो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वापस आपको बता दें बी एम के लिए फोर प्लस टू का जी जो सिनेरियो है वो बन चुका है चार प्लेस आप रख सकते हो दो प्लेस और एक्स्ट्रा आपके पास रहेंगे एंड उनके साथ साथ चौदह uh, तारीख से Jo BMOC ke registrations are starting. All the very best for everything that's just uh, you know going to be coming up uh, on your ways So take care guys. Bye. Bye and uh, See you soon <laughs>